अभिषेक भाई, अभिषेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो सो इंट्रोडक्शन डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर व्हाटएवर सर आज का वर्कआउट तो बहुत इंटेंस हो चुका है मेरे लिए एंड इट वाज एन अमेजिंग एंड इट इज़ अ वेरी फ्रेशरिंग थिंग व्हाट आई एम बीन डूइंग फ्रॉम द एंटायर वन आवर आई फील गुड आई फील वेरी फ्रेश एंड आई फील स्ट्रेस रिलीफ एज़ वेल फिटनेस इज़ वे इम्पॉर्टेंट फॉर मी इट्स नॉट बिकॉज दैट आई एम इन टू बॉलीवुड इंडस्ट्री और मैं कुछ कर रही हूँ फिटनेस इम्पॉर्टेंट है मेरे नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई लाइक टू बी फिट फ्लॉन्ट माई फिगर आई एक्चुअली लव टू डू दैट सो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट फ्रॉम माई कोर एंड फ्रॉम माई अपर बॉडी टू माई लोअर बॉडी एंड एवरी थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आज हमने तो मिक्स किया है ओवरऑल बॉडी का सो इट हैज़ बीन द कोर टाइटनिंग इट हैज़ बीन द लेग्स लाइक आई हैव डन स्क्वाट्स आई हैव डन चेस्ट प्रेस आई हैव डन शोल्डर प्रेस आई हैव डन ट्राइसेप्स सो इट वाज इंक्लूडेड ओवरऑल बॉडी वर्कआउट या डाइट्स इट्स काइंड ऑफ अगर आपको एक्चुअली रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट विच आई प्रेफर हैविंग इट ओनली इन द डे टाइम माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई गेट इन टू द जिम जिम में हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जो BCAA पीते हैं एंड सेकेंडली वंस आई एम डन आई हैव अ प्रोटीन आफ्टर दैट आफ्टर टू आवर्स आई मेक श्योर दैट आई ईट सम कार्ब्स इन माई बॉडी बिकॉज एंटायरली बॉडी नीड्स एनर्जी एज वेल टू सस्टेन द एंटायर डे बिकॉज यू वर्कआउट After that, you really need something to grab something. So that's my carbs. And before post, I think so after, before 9, I finish with my protein, food and everything. And then I'm off to sleep. My model is Amanda Sindri. She's a Hollywood actress. And yeah, I'll be achieving very soon. Maybe if I get a chance to be very regular, which I always make sure that I be with my trainer all the time. And I make sure that, because he's the one way important and way motivational and more inspirational for me because he pushes me every time that Hina you're not missing out on anything and if I'm working anywhere so he makes sure that karke ki I work out wherever I'm doing a shoot or I'm at the show or something so he makes sure that I do everything and I keep my diet follow very aap ek acting industry mein ho obviously it's very difficult karke aap sab cheeze follow karo to aapko ek push chahiye jo ki mere liye bahut important hai to mere trainer ne mujhe bahut push kiya so this is what result I've got because of that. बॉलीवुड में तो आई डोंट थिंक सो आई रियली फॉलो एनी वन आई ओनली फॉलो अमांडा सिंड्री बिकॉज आई थिंक सो फिटनेस के लिए शी इज़ गॉट अ प्रोपोर्शनल परफेक्ट बॉडी आई थिंक मलाइका से करते हैं सी अभी मलाइका की एज जो है या वॉट शी इज़ डन एट हर एज इट्स अ ट्रेमेंडस थिंग एंड आई सल्यूट दैट पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग इट एंड पीपल आर वेरी कीन सो या आई ऑल्सो कीप माई सेल्फ टू बी ऑन दैट जो भी एज में मैं पहुँचूँ आई डोंट वॉन्ट टू मिस ऑन इट आई वॉन्ट ऑलवेज कीप या बॉलीवुड में अगर आप बोलोगे तो परफेक्ट बॉडी आई रियली डोंट थिंक सो आई वॉन्ट लुक फॉरवर्ड फॉर एनी वन बट या मलाइका इज वन ऑफ इट आई वुड से द वे शी हैज केप्ट इट एट दिस एज या फॉर दैट आई श्योरली टेक अ बेंच मार्क टू कीप ऑन हर एज वेल आई थिंक सो एंटरटेनमेंट हर एक के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट को एक नाम दिया गया है वो आइटम नंबर सो व्हेन एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट सो आइटम नंबर इज़ नॉट अ शेडी थिंग एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव लोग आज भी पसंद करते सारे सारे बिग सेलिब्रिटी ए लिस्टेड सेलिब्रिटी ने कर चुके दीपिका पडुकन हैज़ डन इट माधुरी दीक्षित हैज़ डन इट हु हैज़ नॉट डन इट सो आई थिंक सो आइटम नंबर इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई कुड सी द वेरी इजीएस्ट वे टू बी इन दिस इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी रॉन्ग थिंग इन माई लाइफ एंड दैट वॉज माई प्लस पॉइंट दैट माई डांसिंग माई एक्सप्रेशंस इज बीन द USP ऑफ माई लाइफ एंड दैट हैज़ गिवन मी अ ग्रेट ग्रेट एंट्री टूवर्ड्स द बॉलीवुड इंडस्ट्री
मेरी जो मूवी आ रही है येट वी हैव नॉट स्टार्टेड शूटिंग सो आई हैव जस्ट साइंड फॉर द मूवी सो मूवी का नाम है इश्क बिना क्या जीना यारो विच इज़ बीन डायरेक्टेड बाई शरद सिंह ठाकुर हम ऑन फ्लो जा रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ सो प्रॉब्ली विद इन दिस ईयर यू विल बी सीइंग मी देर आर फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स बट आई डोंट वॉन्ट टू इनक्लोज डिस्क्लोज राइट नाउ वेरी सून आई विल अपडेट यू गाइज अबाउट जो मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ इसमें इट्स अ मुस्लिम प्रॉपर मुस्लिम जो कि मैं हूँ नहीं बट या इट्स अ प्रॉपर मुस्लिम गर्ल हु इज़ फाइटिंग फॉर हर लव विथ अपोजिट रिलीजन विच इज़ अ हिंदू रिलीजन सो इट्स अ बिग थिंग इट्स क्वाइट इमेजिनरी ऑल्सो इट इज़ क्वाइट इंटेंस एज वेल सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलेंगे जब अक्षय कुमार उस मूवी में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर है और उनकी एक्टिंग पे ही सब लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं सो इवन आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार बिकॉज ही वट एवर ही डज इट विथ हार्ड वर्क विथ इंटेंस एंड उनके लिए वो प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत अपना जैसा हो जाता है सो आई एम श्योर पैडमैन इज़ वर्किंग वेरी गुड एंड आई हैव ऑलरेडी हर्ड फ्यू रिव्यूज़ अबाउट इट एंड इट्स एक्चुअली गुड I haven't got time मैं बहुत जल्दी जाके वो मूवी देखूँगी और जो उन्होंने किया है एक लड़की के दिस इज़ अ वुमेन बेस्ड स्टोरी विच इज़ लाइक वुमेन के बारे में बताया है कि पैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज इट्स हम लोग का जो मंथली पीरियड्स होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देर इज़ नो शेम टू स्पीक अबाउट इट सो इट्स गुड दैट ही ओपन्ड अप इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ मेन्स इन फ्रंट ऑफ फैमिली सो नाउ फैमिली भी एक रिस्पेक्ट रखेगी वो धुतकारने का जो काम होते थे पुराने ज़माने में कि लड़कियों को अलग रखो ये वो नहीं होना चाहिए बिकॉज ये नेचुरल थिंग है हम लोग ने क्रिएट नहीं किया इट इज़ जस्ट अ नेचुरल थिंग सो आई वुड वॉन्ट यू टू बी सपोर्ट द वुमेंस डोंट डिग्रेड देम एंड जस्ट डोंट थ्रो देम अवे दे आर योर पीस ऑफ योर बॉडी इट सेल्फ दिस इज वॉट यू आर बॉर्न फ्रॉम दैट वुमेंस बॉडी सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट एंड अक्षय इज डूइंग अ ग्रेट जॉब आई एम ऑल द बेस्ट फॉर इट